देश में जिस तरह से महंगाई आसमान छू रही है उसके खिलाफ कांग्रेस अब सड़कों पर उतर चुकी है। कांग्रेस पार्टी लगातार 7 तारीख से ही महंगाई के खिलाफ विभिन्न तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है। उसी कड़ी में आज पटना की सड़कों पर कांग्रेस द्वारा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस द्वारा पटना की सड़कों पर साइकिल मार्च निकाला गया। वहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में कुछ लोग बैलगाड़ी पर भी सवार दिखे, वहीं कुछ लोग घोड़ेगाड़ी पर सवार थे और काफी सारे कार्यकर्ता साइकिल पे मार्च करते हुए नजर आए। ये एक शांतिपूर्ण आंदोलन है, ये एक प्रोटेस्ट है, ये एक एहतजाज है। इसमें आप लोग सबों को सपोर्ट करना चाहिए, ना के इसको रोकना चाहिए। ये महंगाई के लिए जो आप भी झेल रहे हैं, ये महंगाई के लिए जो पुलिस वाले भाई भी झेल रहे हैं, ये महंगाई के लिए जो मैं भी झेल रहा हूँ, तो महंगाई के लिए अब बताइए ना, 104 रुपये पेट्रोल हो गया, बहुत 200 रुपये पार सरसों का तेल हो गया, 1000 रुपये लीटर सिलेंडर हो गया। अब तो एकदम महंगाई का यह चरम सीमा हो गया है कि मतलब पकड़ लो, यहाँ दबा दो, रोएगा वो और रो रहा है, हम रो रहे हैं। ये सब उन लोगों का आदेश है, वो आदेश का पालन कर रहे हैं, ना कि वो केंद्र सरकार राज्य सरकार। कांग्रेसी जो निकल रहे हैं समर्थन पे, कांग्रेसी मतलब सुनिए, आप जान लीजिए, कांग्रेसी मतलब आम जनता। हाँ, कांग्रेसी मतलब आम जनता। असफर अहमद, वार्ड पार्षद पटना नगर निगम, अध्यक्ष पंचायती राज संगठन बिहार प्रदेश, ये हमारे विचार विभाग के, ये हमारे विचार विभाग के। आप ये बताइए, मैं हम लोगों ने लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।